हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इस तरह से साउथ इंडियन स्टाइल में झटपट बनने वाला सांभर, बहुत इजीली आप बना सकते हो घर पर। तो मैंने ये जो होती है अरहर की दाल, इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए आप इसको धो के अच्छे से भिगो लें, फिर दोबारा इसकी फ्रॉथ निकालें। एंड इसमें मैंने ये 3 सब्ज़ियाँ यूज़ की हैं। आप चाहे कोई भी सब्ज़ी लंबी लंबी पतली या मोटी थोड़ी करके भी आप काट के डाल सकते हो, बट लंबाई में ही काटें। एंड ये हींग लिए मैंने, कोई भी हींग आप ले सकते हो। तो मेरे पास ये वाली थी तो मैंने ये यूज़ की। तो देखिए, मैंने सब दाल के साथ सारी सब्जियाँ लंबी लंबी थोड़ी मोटी काट ली थी। एंड उसके बाद मैंने तो उसमें हल्दी और नमक स्वाद अनुसार डाला। हल्दी का मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा डाला, ज़्यादा डाला था, और नमक स्वाद अनुसार, और इतनी हींग जितनी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी मैंने हींग इसमें डाली है। तो और इसको मैंने फिर बॉयल कर दिया था 3 से 4 सीटियों तक। तो 3 से 4 सीटियों के बाद ये इस तरह से फ्रेंड्स ये आया था। एंड इसको मैं अच्छे से फिर मिक्स कर दूंगी। तो ध्यान रखिए, मिक्स कर दें, बट इसमें आलू थोड़े खड़े खड़े रहने दी, आलू से इसमें करारापन आएगा। अगर आपके पास फलियां वगैरह है तो आप वो भी इसमें काट कर डाल सकते हो, थोड़ी लंबाई में जैसे ना पतली पतली उनको काट कर आप इनको डाल सकते हो। तो तड़के के लिए आपको क्या करना है, पैन में आपको लगभग मैंने 2 बड़े चम्मच आप कह सकते हैं रिफाइंड ऑयल डाला। एंड इसमें हमें राई को चटकूंगी। आप करी पत्ता ज़रूर डालें, मेरे को करी पत्ता मिला नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, बट सबसे पहले आप इसमें राई डालें लगभग 1 चम्मच। उसके बाद जब चटक जाए तो आप इसमें करी पत्ता डालें जब ये हो जाए। और ये मैंने इमली साथ में रखी है, तो इसको हमने छानना है। इमली का गूदा 2 घंटे तक मैंने भिगो दिया था, फिर छानने के बाद ये इमली का पानी है। तो राई ये चटक गई है। अब मेरे पास करी पत्ता मुझे अवेलेबल नहीं था, बट उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप उसको ज़रूर डालें। क्योंकि हमारे जो पेड़ था किसी ने काट दिया, तो हमारे घर बहुत था बट किसी ने वो पेड़ ही काट दिया। तो खैर, अब उसके बाद इसमें मैंने हल्दी डाली है। एंड सॉरी फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसमें इमली का पानी डाला था और उसके ऊपर से फिर मैंने वो दाल डाली थी। इमली के पानी को बॉयल होने देना, फिर आपने दाल डालनी है। वो मैंने शूट किया था, पर पता नहीं कहीं से वो क्लिप डिलीट हो गया या पता नहीं शूट नहीं हुआ, समझ नहीं आया मैंने बाद में जब इसको एडिट किया। तो खैर, आप उसके बाद उसमें वो डालें पानी, इमली वाला जो मैंने आपको दिखाया था, जब वो बॉयल हो जाए फिर इसके अंदर आप ये डाल दें जो हमने कुकर में दाल के साथ सब्जियां बॉयल की थी। एंड इसको अच्छे से उबाला आने तक आप इसको थोड़ा पकाएं। एंड ये हमारा सांभर बनकर तैयार है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। एंड इसके ऊपर आप, मैंने थोड़ा सा जो होता ना सांभर मसाला वो भी डाल दिया था बाद में। तो ये देखिए, बाज़ार में रेडीमेड राम सांभर मसाले भी मिलते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। उसकी भी रेसिपी आपके साथ जल्दी अपने चैनल पर हम लाएंगे। इडली के साथ बहुत टेस्टी लगता है, इस तरह से आप बनाकर ज़रूर देखना ये सांभर, इन्हीं सब्जियों के साथ देखना तो बहुत टेस्टी बनेगा। वैसे इसमें आइडली सहजन की फलियाँ डालते हैं साउथ इंडिया में। तो ये देखिए, इस तरह से आप बनाएं सांभर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।